भाई, काय का मजा आ रहा है? मेरा ब्लड प्रेशर चक्कर, मेरा ब्लड प्रेशर चक्कर, मेरा चक्कर ब्लड प्रेशर मेरा ला। देख क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? ओए क्या हुआ? हां क्या हुआ बता? अबे नर्स नहीं मिल रही है क्या? इनको देख के मेरा ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है। ओ मां रे, हां मेरे जाना हो रहा है। अरे कोई हाई नहीं हो रहा, वैसे ही सरकारी है इसकी। नहीं नहीं, तो इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। मैं समझ गया, ब्लड प्रेशर हाई होता है। होते या नहीं होते तो घर के काम काज आप करती हो? हाँ तो और कौन करेगा? ये जब काम पे जाते तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े धोना शुरू कर देती हूँ। तोबा तोबा, आप अपने घर के कपड़े सारे खुद धोती है? जानू मैंने तो आज तक एक रुमाल नहीं धोया। तो कौन घर में खिदमत करता है, वो जो काम करता है कौन है? कोई भी नहीं है वैसे तो, मासी। थैंक यू। अच्छा तो आपने घर में मासी वासी रखी? काय की मासी, मैं तो खुद ही घर की मासी हूँ। मैं झाड़ू देती हूँ, रोजा लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सब साफ करती हूँ, बच्चों के कपड़े भी धोती हूँ। अच्छा नाम तो बताया, नाम तो बताया, चलो रोले रोले। तू रो रही है आज? पहले घर तू बगाड़ मारे रो रही है, तू आज पहली बार में रो ले, तू दिखा दे। हो गया, मेरी बात सुनो। क्या बड़ा गाड़ी तुझको, मासी रख ले। मासी क्या होती है? अरे मुझे घर में काम काज करती ना औरतें, वो मासी कहते ना। जब मैं बीबी को लेकर आया हूँ तो कपड़े भी यही धोगी, बर्तन भी यही धोगी। अरे वैसे खरे गुलाम है तुम्हारे। अच्छा आपके घर में जब कोई कपड़े कपड़े नहीं धोते? अच्छा मैं जो सूट एक बार पहन लेती हूँ उसके बाद तो मैं उसकी तरफ झांकती भी नहीं हूँ, दे देती हूँ किसी को ऐसे ही। मैं मॉल्स वगैरह किस लिए है? आप जाए न्यू शॉपिंग करें, न्यू मॉल पे जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करें। बिल्कुल, यहाँ से हम पहले सिनेमा जाएंगे, फिल्म देखेंगे। आप कभी ले गए सिनेमा? फिल्म दिखाई कभी? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अरे हमारे घर में टीवी नहीं है। टीवी भी नहीं है? नहीं तो ये प्रोग्राम कैसे देखोगे? अब टीवी लो ताकि विनिस टीवी लगे। जरूर टीवी लाज मिले। आप मैं जाके कहीं देख लूंगा, अगर मैं घर पे लेकर आऊंगा तो ये भी देखेगी। भाई यहाँ से जाने के बाद सिनेमा जाएंगे, वहां से फिल्म जब खत्म होगी फिर मॉल चलेंगे, शॉपिंग कर लेंगे। जाओ मैं आज 2-3-4 ड्रेसेस ले लूंगा। एक ही ड्रेस ले लो, कोई मसला नहीं। आप कभी मॉल में लेके गए इनको? कहाँ, कौन से मॉल में? खामा खामा खोल तो शॉपिंग में कपड़े, कभी कपड़े भी दिलाए इन्होंने? नहीं, पिछली ईद पर 2 जोड़े दिलाए थे लोन के, एक नीला और एक पीला। उन कपड़ों को इतना धोया कि सफा ले गए। तो ये तो अच्छा है ना। भाई मेरी बात सुनो, देखो सफेद सूट आप लेके भी गए थे। अच्छा तो धोखो को सफेद हो गए तो हमें तो उसको खुश होना चाहिए। और आपके कपड़े है? आप हर महीने? कौन मैं? हाँ मैं भाई, देख रहे मर्द तो जब तक पहने ओढ़ेगा नहीं तो बाहर उसकी इज्जत कैसे बनेगी उसकी? जी बुर्का वगैरह आपको दिलवाते हैं? नया बुर्का? मुझे बात बता, माफी चाहता हूँ, मुझे बात बता। तो मुझे इससे कपड़ों की जरूरत ही क्या है? ये क्या मतलब है? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब ये है कि घर में 2 लोगों की सूट है, बाहर निकलेगी तो क्या पहनेगी? बुर्का। तो मैं तुझे कपड़े लाके भी दे दूं? शादी में ला के दिया था, देखो पहन पहन के ब्लैक हो गए। अच्छा भाई अगर तो आप लोग ज्यादा कह रहे हो कपड़े लेके दो, ये रख दो। टोपी वाला बुरखा आता है, टोपी वाला बुरखा जाली वाला, अब वहां टकरे खाती फिरेगी और क्या, उसमें टकरे खाती है? और नहीं नहीं नहीं, अगर वो कहोगे तो मैं उसको बोला दूंगा। किस जमाने के लोग हैं ये? कसाई की दुकान पे क्या होता बता दूं? मैं क्या गोश्त लेने के लिए भाई? हाँ मैंने कहा कोफ्ता का कीमा चाहिए, कह लेंगे मैं साथ जा रही हूँ। हाँ तो कोफ्ता का कीमा ले लेंगे। सही है। मैंने कहा भाई हाथ का कोफ्ता का कीमा बना दे। हाँ उसे मैं जानता हूँ, मैं पुराना हूँ कसाई को। कसाई को हाँ। जब मैं जाऊँ हाँ। तो जब मुझे तोड़ के देता है वो हाँ। तो बट्टे वाला बदन पीछे होता है हाँ। और माल वाला बदन ऊपर होता है, हालांकि नीचे होना चाहिए। मेरे साथ गई है, इसने मुझसे निकाल दिया कि भाई कीमा जरा मोटा मोटा पैक करना। उसने जवान के बच्चे ने इनको यूं देखा और एक बोटी फादर हो दी। अरे वो बोटी तराजू में नहीं गई, मेरे दिल पे लगी मेरे। क्या क्या जुमला बोला यार तूने, कमबख्त। नहीं आज के बाद तो कहीं नहीं जाएगी मेरे साथ। कितना शक्की आदमी है, कितना शक्की आदमी है, एक बोटी के ऊपर इतना शक्की हो तुम? नहीं शर्म करो, हम दोनों साथ जाते वो तो
कोई बर्गर दे देता है, कोई कुछ दे देता है, मैंने तो कभी माइंड नहीं किया। अल्लाह कितने प्यारे हो ना तुम। थैंक यू। हाँ, वो इनको भी बताओ ना ऐसी करें। हाँ, मैं बताऊंगा। बात देखो ना उसको, देखो उनके पास मोबाइल, उनके पास मोबाइल देखे भाईजन, नए दौर की ये जदीद तकाजे का दौर, ये तकाजे है। देखो बात सुनो, कितना महंगा कितना होगा अंदाजा? ये 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख का मोबाइल आपके पास कौन सा है? तेरे पास वो तो नहीं, बटन वाला है मेरे पास, है वो भी रबड़ से बना हुआ है। डकैत भी लेके तो वापस तुझे कुछ देके जाएंगे। अच्छा ये मोबाइल वोबाइल औरतों का काम नहीं है। नहीं। जब मैं घर आता हूँ, ठीक है, बता भाई 6 महीने पहले मैंने तेरी भैंस से बात नहीं करवाई फोन पे, करवाई थी ना, रुखसाना से करवाई नहीं करवाई। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये बातें कौन सी हो रही है? अबे कोई शादी वादी पे लेके नहीं गए? शादी मौत मैयत पे जो लेके जाते हैं, शादी पे? हाँ शादी पे मैं जाता हूँ ना। अच्छा जाते हैं बैठ गए, चलो खुदा का शुक्र है यार, कोई तो अच्छी बात है, शादी में जाते हो यार। ये थोड़ी जाएगी मैं जाता हूँ, अरे अकेले? हाँ कभी कोई खुशी गमी में भी तो मैं जाता हूँ यार। उस औरत का घर से बाहर बुरका और घर में रहना, औरत का घर में रहना, बस हमारे बड़ों ने मैं ये समझाया। हमारे खानदान में हमारी मम्मी इसी तरह रहती थी, हमारे फुप्पो, हमारी खाला, हमारा खानदानी काम है, समझ गए कि औरत जो है वो घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और बात सुन मुझे, उस दिन तुमने क्या जुलम किया? क्या जुलम किया? सब्जी लेने चलो, हम चले गए, मैं ले गया सब्जी लेने, तो आलू वाले ने अपने हाथ से आलू उठाए हैं, अच्छा तराजू में डालने के लिए, मैंने वो आलू वापस कर दिए, क्यों? किसी मर्द का हाथ लग गया था, ठीक है, और कमबख्त वही आलू उठा तुमने दोबारा तराजू में डाल दिए, फिंगर चिप्स खाती हो? फिंगर चिप्स बड़े शौक से मंगा लो। क्या मंगा लो फिंगर चिप्स? क्या यार बहुत भाई, आज ही खैर नहीं सी, बोल ले दे, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, बोल ले दे उसको। अच्छा आपने कौन सी अच्छी गाड़ी रखी हुई है? कन्वेंस? यू हैव कन्वेंस? यस आई हैव, वी हैव कन्वेंस। वेरी गुड, आपके पास कन्वेंस? यू हैव कन्वेंस? गाड़ी? गाड़ी, मोटरसाइकिल? अरे ये कार? कार वगैरह कोई बीवी को? अरे कार? कौन सी गाड़ी? आप किस पे आए हो? हम लोग किस पे आए हैं? पैदल लेके चलते हैं, तो पैदल चलने से सेहत बनती है, इसमें कोई शक है? भाई मेरे दादा जो है, मेरे दादा 90 साल 95 साल की उम्र में होके मरे, तो मैंने पूछा दादी से, अरे फायदा क्या रुल रुल के मरे हो तो फिर? अरे मेरा मतलब ये है कि मेरी दादी ने कहा कि बेटा दादा तेरे पैदल बहुत चला करते थे, अच्छा तो वही मैं चाह रहा हूँ कि ये भी पैदल चले। अच्छा है? और याद नहीं चाहिए, याद कर परसों बैठे चिंची में है, जब दहाने से आयशा मंजिल गए, किसमें गए थे हम? चिंची में नहीं बैठी तू? हाँ। चिंची में बैठ गया, शरम नहीं करी तू? कौन था चिंची में उठा के बोइंग 747 में बिठा दिया तूने? अरे चिंची ने मुझे भी खा दिया, 14 बच्चों को भी साथ भी खा दिया, फिर खुद भी बैठे चिंची ही उठ गई। वैसे वैसे शराफत साहब, आप बड़ा जुल्म करते हैं अपनी बीवी के ऊपर। छोड़े ना वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम तो अल्लाह का शुक्र बहुत खुश है अपनी लाइफ में, प्यारी सी गाड़ी है, प्यारा सा मतलब पूछो कि जैसे एक आदमी में शर्म होती है, हया होती है, बिल्कुल गैरत होती है, जी जी कोई है थोड़ी बहुत किसी कोने में तेरे में बता दे, हाँ ना कर दे, गैरत ये क्या चीज होती है? ये मॉडर्न फैमिली है यार, ये काई मॉडर्न फैमिली है, आप इसको गैरत कहते हैं? तेरे को कभी शर्म नहीं आई? तेरे को शर्म मतलब जैसे है कि ये तौबा, ये जैसे यार जैसे इसने कपड़े पहन रखे हैं, इसने मैंने आइए ना ये जो बैठी रखी इसने, क्या तो बाहर भी जाओगे अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो बाहर जो मर्द वो सी व्यू भी जाएंगे, सिनेमा भी जाएंगे, मॉल भी जाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। मुझे बुलाए हैं ऐसे कपड़े? हाँ हाँ मिस के हैं। देखिए मैं ना असल में एक बार पहनती हूँ, उसके बाद नहीं पहनती, आपको अगर चाहिए तो मुझसे ले लीजिएगा। बात सुनो भाभी, एक काम कीजिएगा भाभी, तवे वाली मछली खाई कभी? तवे में चलते हैं, तवे खाई, तवाई के अंदर। अच्छा वैसे भाभी एक बात सुनिएगा, आपको अगर ड्रेस चाहिए मैं जीन्स भी दिलवा देता हूँ आपको। मैं सब कहते रहे तो मेरा मैं सत के दिलदार है, अजय खुशी है, खुल के सामने आ रही तू मेरे, खुल के सामने आ रही तू मेरे आज, हाँ समझ ले, आज तू समझ ले तुम्हारे लिए तो कोई नई बात नहीं, तुम भी तो मान मान के मुझे आज तक तुमने कपड़े पहनाए। अरे वाह, आप काम क्या करते हैं? काम जॉब कुछ भी नहीं? अरे हाँ अभी तो 14 बच्चे हुए, मतलब क्या कौन सी बारीक बारीक बातें हो रही है? नहीं बता,
काम करता हूँ या नहीं करता हूँ तो बच्चों से क्या ताल्लुक उसका? अभी अपनी मैसेज जॉब क्या करते, काम क्या आपका? कौन मैं? मैं कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? कौन सा काम है जो मुझे नहीं आते? राज मिस्त्री मैं कर लेता हूँ, वेल्डिंग मैं कर लेता हूँ, रंग का काम मैं कर लेता हूँ, स्त्री मैं कर लेता हूँ, समझ गए? अपना कांचों का काम मुझे आता है, लोगों का काम मुझे आता है, कौन सा काम मुझे आता है? कालीन का भी आता है, कालीन का? अब वो मैं कर चुका हूँ, मैं परवेश से देखी, अच्छा करते थे हम लोग, है ना? फिल्मों में डबलिंग भी करते थे, वो जो रील इधर से उधर लेके जाते थे। यार ये बात छोड़ दूँ, तेरी आंखें बार बार इधर क्यों हुई है? खंजर है तेरी आंखें, तलवार तेरी आंखें, जिंदा न रहने देंगी यार तेरी आंखें। वैसे इसको आजाद घुमाएं, इनको भाभी हमारी आजाद करो, मेरे को जंजीर बांध रखी इसको मैंने, जंजीर ही समझे, कैद किया हुआ है आपने इनको, जुल्म कर रहे हैं इस औरत पर। माफ कर दे, माफ कर, ये ऐसी सही है, तोबा तोबा, अब ऐसी नहीं चाहिए भाई, समझ गए? ये सुन ले, ये सिर्फ एक की है और ये तो मुझे लग रही है कि हेलो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक ही है, उसकी अपनी कुर्बानी, ईद भी कोई कुर्बानी शुरबानी? हिस्सा लेता हूँ, हिस्सा लेता हूँ। अच्छा, गोश हो जाता है फिर वो चलता है घर में? कौन सा, कब तक चलता है गोश वो? अबे हिस्से में कक्का वाटू में, कब वाटू हिस्सा में? तो क्या गोश दे, मैं जाऊं ये जाए, गोश देने जाएगी, अगर इसकी फैन के जाता हूँ तो ये मेरे साथ जाएगी, जाहिर है, ठीक है? अरे तो किसके साथ जाएगी, अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी वो, तो लोग रास्ते में देखेंगे ना इसको, तो मैं क्या अजूबा है क्या? नहीं 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 नहीं, हमारी गैरत कबारा नहीं करती, हमारे खानदानी लोग है, हमारी काय की गैरत, ओहो हमारे यहाँ तो भाई 80 लाख का पिछली बार जानवर आया था, 80 लाख और हमने हर जगह उस कुर्बानी के गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले तो उसके साथ खूब सेल्फी बनवाई, पूरे मोहल्ले में घुमाया, उस हर जगह उसको दिखाया, फिर हमने कुर्बानी की, बताया। असल में मेरे जो डैडी है ना, वो गाय का गोश्त नहीं खाते, तो उसके साथ हमने दो ना बकरे भी मंगवाए थे। अच्छी बात है, चलो, और तो मैंने कुटा था, मैंने क्यों इसने पाली, मुझे कह रहे मैंने बिल्ली पालनी है। अच्छी बात है, बिल्ली पाल ली, बिल्ली छोटी थी, आज से बड़ी होती गई, जाहिर है। अबे जब वो बड़ी हुई है तो पता चला तो बिल्ला था। अबे मेरे का लाना था तेरी सोच के ऊपर, बात यानी घर में बिल्ला भी है वो भी बिल्ली हो, जब पाली थी तो बिल्ली लग रही थी, इसी कार्य में मैंने पाल ली। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि यार इसने कई मरतबा इसको प्यार करते करते हाथ फेरा होगा इसके बिल्ले पे। बिल्ली पालना अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्ली बिल्ली पालो, बिल्ला तुमने पालो, क्या हो गया? देखो वो तो जानवर है, कोई जानवर, डॉगी है, बिल्ला है, बिल्ली है, सब है। मेरा जो डॉगी है ना, उसका नाम मैंने रखा है शेरा, और जब मैं उसे बुलाती हूँ ना शेरा, वो भागता हुआ आता है, मुझसे चिपक जाता है। आपने डॉगी में रखा कोई डॉगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम पहले रहते थे लाहौर में, वहाँ चलते हैं तांगे, हाँ, हम जब निकलते थे हम लोग रहते थे मुगलपुरा, हाँ मुगलपुरा ना, मुगलपुरा में हम रहते थे, ये लाहौर की है, ये अंदरेश है, हाँ अंदरेश, हाँ मोची दरवाजा, हाँ नहीं मानता वो खलीफा की नान खिताई, हाँ तो हम क्या मतलब वही मिलती है ना, तो हम लोग घंटा घंटे खड़े रहते थे वहाँ तांगे के इंतजार में। अच्छा, तो भाई मैं जब तांगा आप 1 घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए, तो मैं उस तांगे में बैठता था जिसके अंदर घोड़ी होती थी, घोड़ मैं कभी उस तांगे में नहीं बैठा जो जिस तांगे में घोड़ा होता था। मुझे हैरत इस बात पे है, वो घोड़ी पे ही आते हैं दूल्हा बनके घोड़ी की, यार ये तांगे भाई चेक, यानी कि तू डेढ़ डेढ़ घंटा ये चेक करता था कि घोड़ी है घोड़ा? देखो जी बात सुनिए, मुझे बता पहले यार, यानी कि लोग देखते हैं मजदूर का नंबर क्या है भाई, W11 आ रही है, D7 आ रही है, तू कैसे चेक करते? चेक करते थे घोड़ी है कि घोड़ा आ रहा, क्या बात, मतलब कौन आदमी है यार, समझ से बाहर है। सुनो बात सुन भाई, यही मर्दानगी है कि औरत है, समझ गए? मर्दानगी नहीं है, बुजदिली है ये। क्या मतलब है? एक एक मासूम मजलूम औरत के ऊपर आप जुल्म करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बस ये से बात सुन, अभी तो तुमने कभी इसको मारा नहीं अभी तक। मैं क्यों मारूं?
अबे क्यों मारूं इसको? अच्छा अरे मैं नमाज तो कर लो, कभी इस पे हाथ क्यों उठाया? अल्लाह आप कभी भी नहीं पीटी? नहीं एक बार पीट के देखे। आपके शोर से क्यों पीटेंगे? हाँ ये क्या बात कर दी आपने? और ये पीटना पीटना बात सुनो भाईजान, भाईजान बात सुनो। हाँ देख लो मैंने इसको अभी छोड़ दिया, वरना मैं इसको इतना कूटता इसको मैं। ये मर्दान की है, ये बुजदली बिगड़ती है। अच्छा हाँ अच्छा क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप अपनी वफाशार पे बीवी पे आप हाथ उठा रहे हो। हाँ। उसको तशद्दुद करते हैं, उसको कैद की तरह कैद है, मतलब पाबंद सलासल किया है उसको। कैद किया है आपने, शर्म नहीं आती आपको? इसे मर्दान भी कहते हैं आपको? शर्म करे, इतनी अच्छी बीवी आपको मिली है, आपके साथ गुजारा कर रही है, आपके 14 बच्चों की माँ है। आप जैसे घटिया इंसान के साथ कोई जानवर रहना पसंद ना करे, वो बेचारी औरत इतने सालों से गुजारा कर रही है, कोई और औरत होती अब तक लात मार के आपको निकल चुकी होती। शर्म करे, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बीवी आपको दी है, उसकी कदर करे। मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, समझे आप? ये मोहब्बत के साथ ये गाड़ी आगे चलती है जिंदगी की, ये होती है। बिल्कुल ठीक है, ये होती है जिंदगी, ये होता है प्यार। नहीं लगा रहा, मियां बीवी की मोहब्बत, मियां बीवी की मोहब्बत कब्र तक जाती है। माँ बाप साथ छोड़ देते हैं, पहले मर जाते हैं बाद में, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता कब्र तक जाता है, समझे? इतना प्यारा अजीम रिश्ता है ये। बिल्कुल अपने काबू में रखे अपने गुस्से को, और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतनी प्यारी बीवी दी है, कदर कीजिए उसकी। और थैंक यू। और आप जी जी, ये मॉडर्नाइज, ये इतना मॉडर्न नहीं बने अभी, हमारे मुल्क का कल्चर इतना कोई हम मॉडर्नाइज नहीं हुए कि बिल्कुल ही हम एक ओपन हो जाए, एक चीज के अंदर लिमिट में रहें। आप मेकअप करें, बने समरें, लेकिन अपने शौहर के लिए जो हुक्म है, अपने शौहर के लिए बने, खूब घर में एंजॉय कीजिए, शौहर के साथ एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। और इस तरह की जब बेहूदगियां होती है, बाहर जाके खुल्लम खुल्ला इस तरह मॉडर्नाइज बनना, ये नहीं हमारे माशरे को, ये माशरे का हिस्सा ही नहीं है, हमारी इस्लामी रियासत है, उसी हिसाब से चलिए बस। मैं भी इनसे माफी मांगना चाह रहा था। हाँ इन्होंने चंबा किया। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या आज आपने मेरी आंखें खोल दी है, जो बीवी है उसको किस तरह रखना है, वेरी गुड, उस पर हाथ नहीं उठाना है, उसके हकूक पूरे करने हैं, रिश्तेदारों में लेके जाना है, लेके जाना है। पर्दा करे एक लिमिट तक, पर्दा करे जो 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 हुक्म है ना उस हिसाब से पर्दा करे। वो बेचारी वैसे ही पर्दे में रहती है, आपने उस और तशद्दुद, आप इसे दुनिया दिखाए घुमाए फिराए, यही तो उम्र है भाई, जिंदगी एक मरतबा मिलती है अच्छी तरह मियां बीवी के साथ, मियां बीवी बनके गुजारे। देखिये शकील जी, शराफा साहब, आप मुझे ना आपकी वाइफ की एक आदत बहुत अच्छी लगी, कि जो नकाब में बैठी है ना बुरखे में, मैं अपने जानो अब हम शॉपिंग पे जाएंगे ना, मुझे भी आप ऐसा बुरखा दिलाएगा, मैं भी सिर्फ आपके लिए ही सजूंगी। ये बात की मेरी बहन ने, ये बात ये पूरे जो तुम्हारा चल रहा था, तुम्हारा क्या प्रोग्राम था, फनकारी हमारा शो, यहाँ पर जो शो चल रहा था, पूरे प्रोग्राम में जो ये बच्ची ने बात की ना बुरखे वाली, मेरा दिल जीत लिया भाई, मेरी बात में बुरी लगी, मैं माफी चाहता हूँ, माफी जा रही हूँ, ऐसा मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी, ठीक है? बस बात तय हो गई, औरत का हुस्न जेवर वो पर्दे में ही है, और जो औरत हुस्न बने सवरे अपने शोहर के लिए, एक लिमिट तक हर चीज की इजाजत है, उससे हद से तजावज करेंगे तो नुकसान ही है। आज इस फैमिली को अकल आ गई, इनको अकल आ गई, इस तरह काश हमारा प्रोग्राम देख के कोई फैमिली सुधर जाए तो हम समझेंगे हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फनकारियां देखा हमारे चैनल का, विनस टीवी एचडी का बहुत बहुत थैंक्सफुल हम, और आप देखते रहिए विनस टीवी एचडी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा हम सबका अल्लाह निगेबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु।